आज हम लोग शिकंजी बना रहे हैं आम की। ये देखो आम पक रहा है नीचे। ये तिवारी जी हैं, अमित है। ये देखो इतनी बड़ी आग, कहाँ गई आग? ये देखिए आग धोना चालू कर दिए हैं अमित भाई हमारे जी। कंडी अब इसको सुला बुझाया जाएगा। तिवारी आधा प्रोसेस हो चुका है। गाइस जहाँ भी आग लगाएं कम से कम बुझा दें, वरना किसी और का नुकसान हो सकता है। सब काम करने से के बाद सबसे पहले ये काम करें, आग बुझा दें। देखो ये इनका बचपना निकल रहा है, आग बुझाने के बाद उसी में खेल रहे हैं डंडी डाल के। इनको डंडी करने की ज़्यादा आदत हो गई है। गाइस ये रेसिपी हमारी, ये हम आपको बताएंगे नहीं। हाँ डाला ठंडा पानी है गाइस, इतना बड़ा बाल्टी फ्रिज में रखे हुए थे बस पर अब ये हो चुका है। अरे हमने और एक और रेसिपी हमारे ही जेब में है। ये देखिए गाइस ये जलजीरा है, अभी इसी में डालेंगे। ये तिवारी भाई मींज रहे हैं हाथ हाथ धो के पूरे हाइजीन तरीके से, ऐसा अनहाइजीनिक कुछ नहीं है इसमें। जलजीरा जा रहा है अब। ये वाली रेसिपी बता सकते हैं? वो वाली नहीं, वो वाले में क्या क्या डाला था हम नहीं बता सकते। वो हमारी उसमें कोयल जैसी आवाज वाली रेसिपी, वो कोयल जैसी आवाज वाली रेसिपी है। इसके पीने के बाद आपका मन तरोताजा हो जाएगा, पेट झरना बंद हो जाएगा भैया। गाइस सूंघते सूंघते कुछ परिंदे आप फड़फड़ाने लगे थे, अब भाग गए हैं। गर्म है बिल्कुल, पानी ठंडा है। फ्रेंड ये देखिए देसी शिकंजी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। लाई वाला के तू सबे बिछवा बहुत गंदा पी ले जा। भाइयों पीने के बाद कैसा लग रहा है? चीते वाली ताकत। हम चार भाई, चारों की चारों तबाही। जादू कहते हैं, चीता कहते हैं।